नमस्कार, न्यूज़ हिंदी टीवी चैनल में आपका स्वागत है। फास्ट ट्रैक हुआ वंदे भारत एक्सप्रेस का निर्माण, 58 ट्रेनों के लिए टेंडर जारी, मार्च 2024 तक दौड़ेगी 102 ट्रेनें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 75 हफ्तों में 75 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को देश के विभिन्न हिस्सों में चलाने की घोषणा के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रेनों के निर्माण योजना को फास्ट ट्रैक पर डाल दिया है। इस कड़ी में रेलवे ने शनिवार को 58 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन निर्माण का टेंडर जारी किया है। इसकी अंतिम तारीख 20 अक्टूबर है। रेलवे मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि योजना के मुताबिक मिशन मोड मार्च 2024 तक कुल 102 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को बनाने का लक्ष्य रहा है। 44 ट्रेनों के निर्माण के लिए जनवरी माह में टेंडर जारी कर दिया गया था, जबकि 58 नई वंदे भारत एक्सप्रेस को के लिए 28 अगस्त को दोपहर टेंडर जारी कर दिए गए। 30 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन IEF चेन्नई और 14 ट्रेन MCF बायबरेली रायबरेली और OCF कपूरथला में बनेगी। रेल मंत्री का लक्ष्य यह है कि मार्च 2024 तक 102 वंदे भारत ट्रेनों के निर्माण कार्य को पूरा कर दिया जाए। देश की पहली स्वदेशी तकनीकी से निर्मित सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत का तेजी से निर्माण किया जा सके, इसके लिए टेंडर दस्तावेजों में बदलाव किए गए हैं, जिससे घरेलू कंपनियों टेंडर प्रक्रिया में हिस्सा ले सकेंगी। इसके बाद मोदी सरकार के मेक इन इंडिया का सपना भी पूरा होगा और वंदे भारत का निर्माण कार्य भी तेजी से होगा। अधिकारी ने बताया कि अगले साल से वंदे भारत ट्रेन के निर्माण की रफ्तार बुलेट ट्रेन की तर्ज पर होगी।